टॉक शोज तो आपने बहुत देखे होंगे, बट IFL स्टूडियो इंडिया का पहला, आपने सही सुना, पहला फिटनेस टॉक शो है, जहां मैं आपको मिलाऊंगा देश भर के छुपे हुए जाने माने फिटनेस टैलेंटेड एथलीट्स जो अभी तक रिकग्निशन के भूखे हैं। आप उनकी स्टोरी जानेंगे, उनका सक्सेस जानेंगे, उनकी स्ट्रगल जानेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज के गेस्ट से हम मिलते हैं। वेलकम सोनू भाई। बढ़िया सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो सोनू यार, मैंने सबको, अपने ऑडियंस को तुम्हारा इंट्रो दिया। हाँ जी। ऐसी ज़बरदस्त बैकग्राउंड, हाँ जी, इतनी हम्बल बैकग्राउंड, वहाँ से उठने के बाद 16 साल की उम्र में शराब की लत, ये कहाँ से पड़ी ये लत? तुम्हारे बारे में पूरा जानते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टोरी ने सबके सामने रखो यार। मैं यहाँ राणा प्रतापबाग में रहता था, तो वहाँ की संगत बेकार थी। तो वजीरपुर जे कॉलोनी में मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो मैं दादी के पास रहता था। तो वहाँ पे हमारे सर ने जिम खोला था, जिनका नाम है सुरेश कुमार। तो उन्होंने नया नया जिम खोला था, तो मेरे को ऐसे ही जिम में एक दिन मैं चला गया, तो मेरे को अच्छा लगा एक्सरसाइज करना। कितने साल के थे तुम उस टाइम? मैं होऊंगा 16-17 जब तुम ये सब शराब पीते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन उन्होंने मेरे को वर्कआउट करते हुए देखा, तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान दिया, फिर ऐसे कराते चले गए। फिर उन्होंने छोटे मोटे कॉम्पिटिशन लड़वाए, ओपन दिल्ली वगैरह। तो एक शराब की लत छूट गई थी उससे? हाँ जी, हाँ जी, संगत, हाँ, जिम की लत पड़ गई थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे को अच्छा लगा, फिर सर डाइट वगैरह बताते थे, तो डाइट फॉलो होती नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा घर का खर्चा वगैरह। सर बोलते थे जैसे 8 अंडे खाने, तो मैं 2 ही खा पाता था। तो मम्मी थी तो चूल्हे पर खाना वगैरह बनता था, तो दिक्कत होती थी, लेकिन मैं फिर भी जिम मिस नहीं करा। मेरे को बोलते थे कॉम्पिटिशन वगैरह खेलना है, तो मैं कभी मना नहीं करा। एक नई जिंदगी मिल गई थी, कि मैं सोचता था कि यही है मेरा रास्ता जो आगे निकलने का है। सर ने तुम्हारे काफ़ी, तो उन्होंने तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में लेके आया, घर को तुम ही सपोर्ट करते हो? हाँ जी, हाँ जी, घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 सिस्टर है और 1 छोटा भाई है, तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो सारा सबका। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉडी बिल्डिंग से तुम्हें कैसे बोलोगा कि यार बॉडी बिल्डिंग में मुझे करियर बनाना है या इसमें करना है? चक्कर यह, मैं झूठ तो नहीं बोलता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि काम की जिम्मेदारी मेरे पे इतनी आ गई थी, तो पढ़ने का कुछ भी टाइम नहीं था मेरे पास। साइन कर लेते हो? हाँ, हिंदी में। कहाँ तक पढ़े हो? हाँ, 3 क्लास। स्कूल छोड़ दिया था? हाँ जी। और काम में लग गए? हाँ जी। क्या काम करते थे? काम जैसे कि एक दिहाड़ी मजदूरी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम करना, डीजे चलाना, जैसे वेटर गिरी में जाना, लेबर। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे बूफर वगैरह बनते हैं, फैक्ट्री में काम करना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जिम के लिए टाइम जरूर निकालता था। मैं ये साथ करते हुए तुम साथ साथ जिम कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और फिर सब करने के साथ साथ तुमने जिम ज्वाइन करा। तो घर पे पेरेंट्स का क्या था, तुम्हारे माँ बाप का क्या सपोर्ट? पापा, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर मम्मी पापा सही होते तो मैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पापा अभी तक ड्रिंक करते हैं, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा। तो वहाँ से तुमने शुरू करके, हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग का दर्जा हासिल करा, मिस्टर एशिया बने। हाँ जी। और मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया। हाँ जी। डाइट को सपोर्ट कर, डाइट कैसे सपोर्ट करी? सपोर्ट जैसे सर बोलते थे प्रोटीन वगैरह लेना है, तो उस टाइम सस्ता था, तो मैं 2.25 किलो का डिब्बा लेके आता था घर पे, मुश्किल से वो 1100-1200 रुपये का आता था। तो सर बोलते थे एक इसको सुबह लेना है, एक शाम को लेना है। तो मैं सोचता था मेरे पे दोबारा अगर ये ख़त्म हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं उसको आधे स्कूप पर लेता था। सर कहते थे तेरा वेट नहीं बढ़ रहा। आज भी मैं 55 किलो में खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को मिस्टर दिल्ली खेलते हुए 12-13 साल हो गए लगातार। जो मेरा वेट आज नहीं बढ़ा, वो इसी कारण नहीं बढ़ा, सर जो डाइट बोलते थे मैं फॉलो नहीं कर पाता था। अगर सवेरे खाना बन गया तो शाम का नहीं पता कि खाना शाम को बनेगा या नहीं बनेगा। जब मैं मिस्टर दिल्ली पहली बार बना था, तो मेरा लड़का हुआ था, तो मेरे यार दोस्त कहते थे, रिश्तेदार भी, कि ये शादी के बाद जिम छोड़ देगा। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो फैमिली के लिए ही करते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अपने लिए। तो तुम्हारी वाइफ का इस बारे में क्या मानना? मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है मेरे को। सो वाइफ की पूरी सपोर्ट है? हाँ जी सर। ओके, सोनू कह रहे हैं उनके पास पूरी वाइफ की सपोर्ट है, तो गेस व्हाट,
हमारे पास उनकी वाइफ भी है स्टूडियो में मौजूद। अब उनकी वाइफ से ही जानेंगे कि वो कितना सोनू को सपोर्ट करती हैं, सोनू भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो आइए अब उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, हाँ जी। सोनू आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि मुझे अपनी वाइफ का बहुत सपोर्ट है मेरी बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं चाहता हूँ आप बताओ, जो पार्टनर होता है आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है इस लाइफस्टाइल को? मतलब ये है कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। सुबह उठ के जैसे डाइट पूरी करनी होती है उनकी, जैसे वो एक्सरसाइज करने गए हैं, वर्कआउट करने हैं, तो अंडे उबाल के रखने हैं, आलू उबाल के कि जब आएंगे अंडे आलू खाने, मतलब खाने तो खाने। ये तुम्हें घुमाने वगैरह लेके जाते हैं? इन्हें टाइम ही नहीं मिलता। क्यों यार, टाइम क्यों नहीं मिलता सोनू भाई? सर ऐसा है, मैं दोनों टाइम जिम में रहता हूँ, सुबह चार घंटे, शाम को पाँच घंटे, और दोपहर को मेरे को दो घंटे मिलते हैं आराम के, फिर उसके बाद मैं चार बजे निकल जाता हूँ जिम के लिए। तो ये हस्बैंड कैसे, अच्छे हस्बैंड हैं? इनके जैसा तो कभी मिलेगा ही नहीं मुझे। तीन अच्छाइयाँ बताओ मुझे सोनू की जो कोई नहीं जानता। अच्छा ये है कि ये सबके बारे में सोचते हैं। अच्छा, सबके बारे में सोचते हैं। और ये मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे सब खुश हो। अरेंज मैरिज थी सोनू भाई? क्या घर वालों ने करी थी सर? मिले थे तुम उनसे या? नहीं, पहले मिले थे हम, पहली बार में ही डर गए थे मेरे को देख के। क्यों? बाइसेप्स देख वगैरह देख। अच्छा, सो 13 साल शादी को हो गए, दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो तुम तो उनके पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है ना बच्चों के स्कूल में जाना वाना? मैं एक ही बार गया था, तो बच्चों जैसे बच्चे के स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे थे तो सारे मतलब देख रहे थे कि बॉडी बिल्डर आ गए इसके पापा। अच्छा, तो टीचर ने मना करा, कह रहा आप कम आया करो, कह रहा आपको देख के ना बच्चे डरते। बच्चे डर जाते स्कूल में? हाँ जी। तो यार इसी बात पे ना लेट्स मीट। अब इनके दो बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो भी स्टूडियो में, तो अब उन दोनों को मिलते हैं। तो अब हमारे साथ है सोनू और बबीता के दो बच्चे, नाजुक नाजुक। क्या नाम है तुम्हारा? तुषार। तुषार, तुम्हारा? सोनाली। सोनाली कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ में। तुम तुषार? फिफ्थ। फिफ्थ में। तो तुम इनको कभी लेके जाते हो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में? हाँ जी सर, ये मेरा हर बार मिस्टर दिल्ली देखने जाता है। सोनाली भी जाती है? नहीं, सोनाली एक ही बार गई थी, उसके बाद नहीं। तो बाकी इस जिम में जब इनकी छुट्टी होती है तो जिम में जिद करते हैं कि पापा हम भी जिम चलेंगे। तो जैसे जिम में पूजा वूजा करते हैं तो मैं अपनी बेटी से ही पूजा पाठ कराता हूँ घर जिम के अंदर। बहुत अच्छा करते हो, लक्ष्मी है ना? हाँ जी। तो कभी तुमने पापा को देखा कभी स्टेज पे कम्पीट करते हुए, मसल दिखाते हुए? देखा। कैसे लगते हैं पापा? अच्छे लगते हैं? मसल बहुत बड़े बड़े उनके। पोजिंग आती है तुम्हें? पोजिंग आती है? आती है? स्कूल में आते हैं पापा कभी कभी तुम्हारे साथ? नहीं, तुम्हारे स्कूलों ने मना करा है कि भाई बच्चे डर जाते हैं उनको देखो, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रांग है, यही बात है? हाँ जी। तो सोनू अब जैसे तुम्हारी फैमिली है, हाँ जी सर, इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है, पूरा संपूर्ण परिवार। हाँ जी। अब लाइफ का प्लान क्या, आगे करना क्या लाइफ में? मैं लाइफ में मैं चाहता हूँ अपने मम्मी पापा को और बच्चों को एक मकान बना के देना है, क्योंकि कुछ हालात हमारे ऐसे थे 3-4 साल पहले, तो पापा ने मजबूरी में मकान था एक वो बेच दिया था सिस्टर की शादी के लिए। तो कुछ पैसे मेरी बॉडी बिल्डिंग में लगाए थे, कुछ पैसे उन्होंने शादी में लगाए थे। तो मैं चाहता हूँ दोबारा एक मकान बना के दूँ उनको। अभी कोई मकान नहीं है? अभी कुछ ही नहीं है, अभी तो हम वैसे ही कच्ची कॉलोनी है, वो जब मर्जी टूट भी सकती है, जब तक रह रहे हैं रह रहे हैं। तुमने अपने पापा का नाम लिया है ना कि उनके लिए एक मकान बनाना है। हम मिलते हैं सोनू के पापा से। नमस्कार जी। सो बताइए कुछ, कैसे आप इस मकाम से यहाँ तक का सफ़र? ऐसा है सर, हम एक जगह रहते थे राणा प्रताप बाग में, हमारी इनकी दादी भी थी, हमारी मिसिज भी थी, मतलब परिवार था। तो एक कमरा था हमारा, उसमें गुजारा नहीं होता था। तो उसके बाद ये जो सोनू है, मेरे भी काम करके आता था और जी अपनी दादी का भी काम करके आता था, फिर अपनी मेहनत भी करता था, जिम में जाता था, काफ़ी मेहनत करता था। उसके बाद हमें काफ़ी दिनों में पता लगा कि ये ऐसे ऐसे जिम करने लग गया। क्या काम करते थे सोनू उस टाइम तुम? वही सफाई कर्मचारी, सफाई भी करा करते। तो आप आज भी सफाई कर्मचारी का काम करते हैं? जी हाँ। और माता जी आज भी काम करती हैं पोते झाड़ू का? मैं तो मना करता हूँ सर, मैंने मम्मी जो पैसे मिलते हैं मैं दूंगा, लेकिन मम्मी कहती है घर पे मन नहीं लगता। तुम सबको सपोर्ट करते हो घर पे? सबको?
इतने खर्चों में तुम ये कैसे अफोर्ड कर रहे हो सोनू की, मतलब काफ़ी मेहनत लगती होगी इसमें। अगर कोई भी काम अगर सच्चे मन से करो, एक नियत नियत होनी चाहिए बंदे की। अब मैं जैसे कि मैं घर पे आता हूँ तो घर वालों का हो जाता हूँ मैं, मतलब घर वालों की सुनता हूँ, बच्चों की सुनता हूँ। लेकिन जब मैं अपने जिम जाता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं फिर बॉडी बिल्डर हूँ। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मेरा कोई नहीं है यार दोस्त रिश्तेदार, कुछ नहीं। हाँ, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद फिर मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो फिर मैं कोच हूँ। लेकिन जब मैं जिम से निकलता हूँ फिर घर। मुझे तुमसे ना एक सवाल करना है जो मैं पूछने के लिए बहुत बेकरार हूँ। आदमी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो ना बिल्कुल हथियार डाल देता है लाइफ के आगे कि यार अब क्या करूँ। हथियार जब डालते हैं जब परिवार के अगर साथ ना दे रहे हो, क्योंकि इस टाइम मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, वरुण मेरा दोस्त है वो मेरे साथ हैं, मेरी वाइफ मेरे साथ हैं और मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे साथ है। मैं जब तक हार नहीं मानूंगा, जब तक ये मुट्ठी कहते ना मुट्ठी बंद करते हैं तो लाख की है, खोल दो तो खाक की है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? सर मैं पहले ना जॉब करता था ट्रेनिंग, उसमें जब मैं मिस्टर दिल्ली बना तो मुझे मिलते थे 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में मैं घर का भी करता था और अपना भी। तो जब मेरे पापा ने देखा कि भाई अभी ये कमाने लग गए तो इन्होंने फिर पीछे हट गए। इन्होंने कहा भाई तुम अपना खर्चा जैसे भी है, ना हम तुम्हारे से पैसे लेंगे ना देंगे, तुम अपना खर्चा खुद करो। तो ऐसे ही ये भी ठीक हो गए, हम भी ठीक रहने लग गए। फिर मैं दूसरे जिम में गया तो वहाँ मेरे को 3000 रुपये मिले। फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर एक दिन मेरी जॉब छूट गई तो उस टाइम मेरे को एक वरुण भाई है, पश्चिम बिहार में रहते हैं वरुण जनेजा, तो वो मिले मेरे को। तो उन्होंने मेरे से, जैसे कर्नाटका एक कॉम्पिटिशन में गए थे तो उन्होंने बोला तू अगर जॉब करनी है तो मेरे यहाँ है, अपना ही जिम है, अपना समझ के काम करियो। तो मैंने 3-4 महीने वरुण भाई के यहाँ जॉब करी। फिर उसके बाद मैं मिस्टर इंडिया खेला। मिस्टर इंडिया के बाद मेरे को जॉब अच्छी मिलने लग गई, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं बस से जाता था ट्रेनिंग कराने। तो इस चक्कर में जो अच्छी जॉब थी वो छूट जाती थी, क्योंकि जिम का टाइम सुबह 6 बजे का होता था तो बस मिस हो जाती थी, तो मैं 6:30-7 बजे जाता था। फिर एक दिन मैं कर्नाटका दोबारा गया, क्लासिक 37 क्लासिक कॉम्पिटिशन होता है एक, तो उसमें मुझे 20,000 का चेक मिला। तो वो मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था। तो मम्मी पापा ये पूछते थे यार तू खेलता रहता कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता, तो मैं इनको मना कर देता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तैयारी में इतना पैसा लगता था। कितना लग जाता था खर्चा? कम से कम मेरे 30-40 हज़ार रुपये तो लग ही जाते थे। महीने के? नहीं महीने के नहीं, पूरे तैयारी करने के लिए। हाँ जी। फिर वो 20,000 रुपये मैंने अपने सर के पास रखे 2-3 महीने। तो मैं फिर गाड़ी लेने गया तो गाड़ी के लिए पैसे कम पड़ गए, तो मेरे मामा जी थे 15,000 रुपये उन्होंने डाले थे, तो किस्तों पे वो गाड़ी निकलवाई, तब जाके मेरे को जिम बढ़िया मिला। फिर धीरे धीरे करता रहा। फिर वरुण भाई ने कहा यार तू कब तक जॉब करेगा, तू इतना अच्छा प्लेयर है, जिम खोलते हैं। फिर मैंने बोला मेरे पास कुछ ही नहीं है, करा देखी जाएगी, करा मैं हूँ ना। जब इतना आदमी जब किसी को बोलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। फिर एक जगह देखने गए हम, तो वो हमें जगह अच्छी लगी, तो मेरे पे जो पैसे थे मशीन वाले को एडवांस दे दिए थे। फिर लास्ट में हमारे को 2 लाख रुपए कम पड़ गए थे। वो फिर मेरे पापा ने लोन लिया था एक, वो लोन अभी तक उतार रहे हम। तुमने वरुण की बात करी जो तुम्हें काफ़ी सपोर्ट करता है। हाँ जी। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी बातें हमें वरुण आके हमारे साथ शेयर करे। तो मैं स्टूडियो में वरुण भी है, सो जो वरुण जिन्होंने इनका जिम खोला, सेटअप करा, सब करा, ये बातें वरुण से भी जानते हैं। इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, काफ़ी आपके सपोर्टर रहे हैं, काफ़ी हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। तो वरुण से बात करते हैं और जानते हैं वो सोनू की लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। सो हमारे साथ वरुण आ गए। वरुण जो हमारे सोनू भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके मेंटोर हैं और इनको गाइड करने वाले फाइनेंशियली इमोशनली सारे। सो वेलकम टू द शो वरुण भाई। थैंक यू सो मच भैया। तो अभी अब इनसे सारे इनके फैमिली से मिले। तुम कब से जानते हो सोनू को? ऐसा है जब मैंने जिम खोला तो मैं भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर आया, तो मैंने सोचा कि इसी टीम को ज्वाइन करा जिसमें सोनू करा करता था। मेरे हालात अच्छे थे, इनसे बेटर थे, ऐसा नहीं कि हालात सबके सही हों हर टाइम के। इसने अपने कॉम्पिटिशन के लिए अपने वाइफ के जेवरात तक बेच दिए थे, ऐसी भी एक बार हमारे साथ बात हुई। तो लाइफ चेंज होती रही, टाइम बीतता रहा, हम लोग भी आगे बढ़ते रहे, लेकिन इसके साथ अभी और बहुत सारे हालात थे कि बच्चे बड़े हो रहे,
फैमिली का पूरा खर्चा इसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इसके ऊपर। एग्जाम्पल दो मुझे, कैसे खर्चे होते हैं ऐसे? ये उनमें से जो डाइट अपनी अपनी डाइट छोड़ देता था, जैसे अंडे अगर हमने दिन में 10 खाने हैं तो ये 2 अंडों में गुजारा करता था अपने लिए, कि मुझे अगर इतनी डाइट मिल गई मेरे लिए वही बहुत है। पैसे बचाने के, पैसे बचा क्या करे, जितने पैसे उतने। लेकिन अगर इसने किसी से ये नहीं बोला कि मुझे आज इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे दे दो, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन लेके आ जाएगा, एक बार एक एक स्कूप पिएगा, आधा स्कूप पिएगा, लेकिन कभी किसी ने बोला नहीं कि मेरे को एक स्कूप भी दे दो। तुम्हें पता है कि मैं करीब करीब 200 बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ और उन सब से मुझे एक ही चीज़ नज़र आई है कि ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग। इसमें कि जितना, ये कुएं की तरह है, इसमें जितना डालोगे उतना कम पड़ जाता है। ऐसे आप सब बॉडी बिल्डर्स को जानते हैं, सोनू को अभी नहीं जानते। सोनू के लिए एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत आसान है। सोनू के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसने अपना 55 किलो वेट ऊपर बढ़ाना ही नहीं है। सोनू की 3 ऐसी आते हैं जो तुम्हें लगता है कि यार मतलब बॉडी बिल्डिंग में तूने ना कभी देखी ना कभी सुनी? इसने 4 बजे सुबह जिम में देखी है। अच्छा, अगर आज भी एक कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी है इसको तो ये मेंटल है, मैं इसको बोलूँ साइको जिसे बोलते हैं ये वो है, लेकिन कितनों के लिए ये डेडिकेशन बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हम टीम में थे, हमारी शुरुआत 55 किलो की वेट से कैटेगरी ये करता था हमारे लिए कॉम्पिटिशन की, तो हमारा लकी चार्म तो यही हुआ ना। तो जब हमारी शुरुआत गोल्ड से होती है सोनू के नाम से, तो हम कैसे भूल जाए अपने चार्म को। अरे तीसरा तो मुझे बता रहे थे ये हर मील के बाद चलता फिरता है कुछ, इसको वॉक करने की बड़ी गंदी आदत है। हम लोग तो फिर भी खा पी के नींद आने लगती है, ये खा पीने खाने के बाद अपनी वॉक स्टैमिना में पूरा बढ़ाता है। जब तुम इसके घर पहली बार गए और तुमने देखे इसके कि यार ये कहाँ रह रहा है, कुछ वो टाइम ऐसा याद है? सुनो तुम्हें याद है सर? एक ये पहला दोस्त है जिसने ये बोला कि घर को ठीक करा, घर में पानी का आरओ लगवा। नहीं, इतने यार दोस्त आए आके चले गए, किसी ने ये नहीं बोला। इसको मैं भाई से भी बढ़कर मानता हूँ। दुख तकलीफ के बारे में इसको पता है कि सोनू यहाँ तक कैसे पहुँचे। वरुण भाई ने कभी ये नहीं सोचा कि तू कहाँ रहता है, तो यही कहता था कि दिल में जगह होनी चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। यार सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है वाइफ की जेवर गिरवी रखती है कंपटीशन खेलने के लिए। लेके भी दिए ने फिर उसको डबल, मैंने डबल बना के दिए, उससे ज़्यादा बना के दिए। लेकिन उस टाइम क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला था ये चांस बार बार नहीं आएगा, अभी मेरे को फिर चांस मिला एक वर्ल्ड खेलने का। और ऐसी हालात मेरे जब थे जब मैं मिस्टर इंडिया पहली बार गया था, उस टाइम भी मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मेरे यार दोस्त क्या करते थे, ट्रेन फ्लैट से जाते थे तो उनकी बॉडी फिट रहती थी, और मैं ट्रेन से जाता था तो 2 दिन में मेरी बॉडी मतलब 80% बचती थी, 20% खराब हो जाती थी ट्रैवल में ना। हाँ जी, क्योंकि मैं दिल्ली में गोल्ड मारता था, वहाँ जाके मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे अटक जाता था। मैं सोचता था मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी वाइफ ने बोला कि कुछ भी हो तुम भी टिकट कराओ, चाहे कितने की भी हो। तो उस टाइम मैंने करंट में 12,000 की टिकट करवाई थी, तब मैं गोल्ड मेडल लेके आया था मिस्टर इंडिया में। तुम्हें क्या नज़र आ रहा है अगले 5 साल में सोनू को क्या करना चाहिए? सोनू मास्टर्स में गेम खेलेगा आगे जाके, इधर बोलता मैं छोड़ दूंगा अगर मास्टर्स मतलब ओवर 40 या 40 से, लेकिन ये गेम नहीं छोड़ेगा। मैं जब तक गेम नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने घर परिवार वालों को एक मकान नहीं लेके दे दूंगा। बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है तुम्हारी, तो मैं अपने व्यूज़ को यही बोलूँगा, आईएफएल स्टूडियो इज़ द बैकबोन। ये एक ऐसा मुकाम है सोनू तुम्हारे, तुम पहले कैसे आईएफएल स्टूडियो के, जिसके थ्रू आईएफएल स्टूडियो के थ्रू हम सबको सबसे मिला है। मैं भी दिल से चाहता हूँ, हम सारे चाहते हैं कि तुम एक जल्द से जल्द एक मकान लेके दे सको, अपनी फैमिली के लिए कर सको, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रगल अनोखी है। अभी इंडिया का झंडा ले रहा है इतने वर्ल्ड में बोला। बिल्कुल, और ये होगा, और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यू नो आई एम श्योर कि तुम्हें आईएफएल स्टूडियो से काफ़ी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो बहुत अच्छा लगा है सोनू तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच वरुण, सोनू स्पेशली तुम्हें कि तुमने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर से मिल सके। आईएफएल स्टूडियो के थ्रू कई लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, लोग तो अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जाते जाते आई हैव समथिंग फॉर यू। ये एक तरीके का गिफ्ट हैम्पर है प्रोवी का, जो तुम रख सकते हो, 1.5 फॉर यू, और ये प्रोवी तुम्हारे लिए भी। अब तुम पूछोगे ये है क्या। सो प्रोवी जो है ये जैसे तुम ब्रेड जैम खाते होगे। हाँ जी, ब्रेड जैम खाने के साथ साथ इट कम्स इन 4 फ्लेवर्स। तुम कुछ भी, जैसे मेरे को प्रॉब्लम, मेरा स्वीट टूथ है, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, मैं तो मीठा रोक नहीं पाता, तुम तो रोक लेते होगे, राइट? इसमें क्या है, पीनट बटर, चॉकलेट जैसे कई फ्लेवर आप अपनी ब्रेड पे लगाइए और खाइए, डाइटिंग के टाइम पे, किसी भी टाइम पे परफेक्ट है। 1 स्कूप में 2 स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, कोई चीनी नहीं, कोई कुछ नहीं, परफेक्ट है। आपका लाइफस्टाइल भी सही रहा, मेरा भी लाइफस्टाइल, बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच प्रोवी, जो यू नो हु केम ऑन बोर्ड एंड सपोर्टेड अस विद दिस आईएफएल स्टूडियो। तो बस यही है कि बस जाते जाते यही बोलूँगा, लगे रहो, ठीक है सर, जो भी हमसे होगा, इंडिया से होगा, वो सब तुम्हारे लिए करेंगे। थैंक यू सो मच सोनू भाई। थैंक यू सो मच वरुण भाई। सो ये थी आईएफएल स्टूडियो की कहानी। अगले हफ्ते मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास एक नई शख्सियत को लेके और एक नए सोनू को लेके,
जो इस दुनिया में अपना मकाम बनाना चाह रहे हैं और देश में जिसे कहते हैं ना एक फिटनेस की लहर को रोशन कर रहे हैं. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड.